हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग लवर। आज हम नाइट सूट की कटिंग करेंगे, वो हमने 4 to 5 ईयर बेबी के लिए कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को यहाँ से 4 फोल्ड करके लिए रख लिया है। जो यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई ली है वो हमने 9 इंच रखी है। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा लास्टिक के लिए होगा। अब यहाँ से एक लाइन हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ मेज़र करने के लिए हम यहाँ से 19 इंच रखेंगे, उसमें हम 2+ ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा 21 इंच रखेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ से जो क्रॉच एरिया रखेंगे वो हम यहाँ से 1.5 इंच पर रखेंगे, इस तरीके से 1.75 पर। आप 2 इंच भी रख सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से 1.75 पर यहाँ से रखेंगे। अब इस तरीके से हम इसकी क्रॉच एरिया की लेंथ मार्किंग करेंगे, वो हम 8.5 इंच पर लेंगे यहाँ से। इस तरीके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इसे सीधा कर देंगे। अब हल्की सी यहाँ से हम गोलाई देंगे, ज़्यादा गहराई नहीं देनी है हमें, हल्की सी यहाँ से गोलाई देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से जो हम मोरी रखेंगे वो आप अपने हिसाब से रखें, जितनी भी आपको कम रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ से हम 6 इंच की मोरी रखेंगे। तो इन दोनों मार्क को, क्रॉच एरिया के और मोरी के मार्क को, हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। इस लाइन को इस तरीके से हम यहाँ मिला देंगे। अब इसकी फ्रेंड हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से, इसके हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। समर में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आप अपने बेबी के लिए इसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। अब इस तरीके से हमने ऊपर के टॉप की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है फ्रंट में। यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे, वो हम 5.5 इंच पर रखेंगे। यहाँ से शोल्डर हम 5.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ से हम एक मार्क लगा देंगे। अब इस तरीके से हम आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर ही रखेंगे इस तरीके से। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे यहाँ से, इसे हम थोड़ा लूज रखेंगे फिटिंग के निशान से। तो यहाँ से हम 7 इंच रखेंगे इस तरीके से और आर्म होल पर हम यहाँ से शेप देंगे ऐसे। तो फ्रेंड ये बहुत इजी है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरीके से अब हम आर्म होल की यहाँ से कटिंग कर देंगे और जो हमारा बैक पार्ट में जॉइंट है उसको हम काट के अलग कर लेंगे। यहाँ से जो हम नेक की ब्रिथ रखेंगे वो हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे की साइड रखेंगे, बैक पार्ट में 1/2 इंच की गहराई देंगे हम। तो यहाँ से जो नेक हमने रखा है वो 2.5 इंच पर रखा है। अब इस तरीके से बैक पार्ट की हम हल्की सी गहराई देंगे, इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी मार्किंग लगाएंगे। और जो हमने यहाँ से गहराई रखी है वो 2.5 इंच पर रखी है। अब इस तरीके से हम गोलाई देंगे और इसके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को सबसे पहले हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारे 4 फोल्ड हैं। अब जो स्लीव्स की लेंथ रखेंगे वो हम यहाँ से लेंथ हम यहाँ से 13 इंच पर रखेंगे इस तरीके से, 13 इंच पर हम रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारा 14.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी यहाँ से सीधी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की शेप हम यहाँ से 5.5 इंच पर रखेंगे। अब यहाँ से जो हमारी स्लीव्स की गोलाई होगी वो हम 4.4 इंच पर रखेंगे, यहाँ से को हम यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से जो हम गहराई रखेंगे वो 1.5 इंच पर रखेंगे और इस तरीके से हम आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से। अब 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा मार्जिन में जाएगा। अब इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे फ्रेंड। अब इसके हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे, दोनों साइड अंदर की साइड हमारी सीधी रहेंगी और इस तरीके से क्रॉच एरिया को मिलाते हुए हम स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड हम स्टिच लगाएंगे इस तरीके से, हम स्टिच लगा के इन्हें अटैच कर देंगे। अब मोरी पे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा कमर पे है बेल्टिंग का, क्रॉच एरिया को अटैच करने के बाद बेल्ट का मार्जिन भी हम स्टिच कर देंगे और यहाँ से मोरी को भी हम
हाफ इंच रख के इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम इस पे टॉप को हमने सीधा करके रखा है और फिर हमने 4 इंच की पट्टियाँ कट की थी तो उसको हमने नेक पे इस तरीके से रख के स्टिच किया है सीधे, और 2 इंच तक हमने इनको स्टिच किया है यहाँ से, और इस साइड हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। रिकॉर्डिंग हमारी बीच में हो नहीं पाई है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे और बैक पार्ट को हम इनके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से बिछा कर ऊपर रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर को जॉइन मैच करेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा दी है फ्रंट शोल्डर पे। अब यहाँ हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम टॉप को ऊपर खोल के रखेंगे और जो शोल्डर की हमारी स्टिचिंग है यहाँ से, तो जो हमारी स्लीव्स का सेंटर है वहाँ से हम इसको ओपन करके रखेंगे। सेंटर से हम स्टिचिंग को मिलाएंगे और इस तरीके से यहाँ हम इस पर सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी सेंटर से रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इन्हें अटैच कर लेते हैं। हमने स्लीव्स फ्रेंड अटैच कर ली हैं। अब इस तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ से हमने 2 इंच की स्टिचिंग लगा रखी थी, बाकी हमने यहाँ से इस तरीके से जो हमने स्टिचिंग लगाई है उसको हम मेज़र नहीं करेंगे। यहाँ से हमने जो स्टिचिंग लगा के जो छोड़ी हुई जगह है वहाँ से हम इसका मेज़र करेंगे कॉलर के लिए। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से इस तरीके से हम यहाँ से मेज़र करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से जो हमारी स्टिचिंग ख़त्म हुई है सेकेंड पार्ट की, तो इस तरीके से हम यहाँ से मेज़र ले लेंगे। तो हमारी कॉलर की मार्किंग आई है वो 11 इंच की है। तो अब कॉलर के लिए फैब्रिक को हम यहाँ से फोर फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारा 4 तह में फैब्रिक है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से वन साइड इस साइड से रख के हम यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ जो मार्किंग है वो हमारी 5.5 इंच पर है और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और जो इसकी लेंथ हम रखेंगे कॉलर की वो 4 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से हम इसको विड्थ हमने 4 इंच 4 इंच ही रखी है। अब जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको भी हम सीधी लाइन कर देंगे। अब यहाँ से 4 इंच की हमने मार्किंग कर ली है, इस तरीके इसको सीधी लाइन हमने यहाँ से मिला ली है। अब जो हमने 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग की थी उसको हम तिरछा ले जाएंगे। 5.5 इंच की मार्किंग से हम 6 इंच की मार्किंग पे इस तरीके से ले जाएंगे और इसको हम तिरछा कटिंग कर देंगे। तो हमने ये फ्रेंड्स कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब हम इसको खोल के रखेंगे और हल्का सा इस पर इस तरीके से, जो आपके पास फ्यूजिंग पेपर है आप चाहें तो बुकरम यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ साइड से 1/2 इंच की इस तरीके से हम यहाँ स्टिच लगाएंगे और कॉर्नर दोनों कॉर्नर पे हम 1/2 इंच इसको एक्स्ट्रा छोड़ देंगे जो हमारा आगे सिलाई में दबेगा। तो इस तरीके से हमने इसको पेपर पेस्टिंग से आयरन से पेस्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले कॉलर का सेंटर लेंगे, इस तरीके से सेंटर पे मार्किंग लगाएंगे। अब हम आगे से भी जो हमारा नेक है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हल्के हाथ से खींचना नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो हमारा मार्किंग है उसको हम मार्क करेंगे सेंटर का। तो इस तरीके से हम सेंटर पे एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इस कॉलर के सेंटर को और जो हमारा बैक पार्ट है उस सेंटर को हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से दोनों को हल्के हाथ से सेट करेंगे और इसको बीच में हम पिन अप से सेट कर लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथ से जो भी हमारी मार्किंग है कॉलर की और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसको हम छोड़ते हुए इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से दोनों को आप चाहे तो पिन अप से अटैच करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पहले सुई से अटैच कर लिए तो ये काफ़ी आसानी रहेगी। अब जो हमने स्टिच लगाई थी जो हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का उसको अंदर दबाते हुए इस तरीके से हल्के हाथ से हम इसके ऊपर से यहाँ स्टिच लगाएंगे। जो हमारी सिलाई है उसको हम अंदर की साइड कॉलर में रखते हुए यहाँ ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। हम टॉप स्टिच अब
कॉलर के चारों तरफ लगा देंगे, जो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉलर को अटैच कर लिया है इस तरीके से। अभी हमारा नाइट सूट बन के रेडी है। पजामे की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में दिखाया है इसको स्टिच करना, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।